अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, मैं आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है जीरे वाले आलू। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जीरे वाले आलू बनाने के लिए मुझे आधा किलो चाहिए आलू, एक अदद बड़े साइज़ का चाहिए टमाटर, हरी मिर्चें और मसाला में मुझे चाहिए एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच नमक और डेढ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। तो ये देखिए, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें मैं हाफ कप के करीब घी शामिल करूँगी। तो मैंने हाफ कप के करीब घी शामिल कर दिया है और उसमें ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। अब हम ज़ीरे को इसमें अच्छी तरह भूनेंगे। ज़ीरा हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू मैंने शामिल कर दिए हैं, अब मैं आलू को अच्छी तरह से भूनूंगी। आलू जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, अच्छी तरह से हमने आलूओं को फ्राई कर लिया है। तो आलू जो थे वो हमारे फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसमें टमाटर और बाकी जो मसाले थे वो शामिल कर दिए हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है, आराम से गर्म चलाने हैं ताकि हमारे आलू जो हैं वो सूख जाए। तो हमें आपको इन आलूओं को मज़ीद मज़ेदार करने का एक सीक्रेट बताऊंगी। आपने इसमें थोड़ा सा चाइनीज नमक ऐड करना है जिससे इनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा चाइनीज नमक शामिल कर रही हूँ। इससे इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब हमने जो है टमाटर को अच्छी तरह इसमें भूनना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं, ताकि इन टमाटरों से जो है हमारी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। अब मैं इन टमाटरों को गलाना है। तो अब मैं इसमें एक गिलास के करीब पानी ऐड करने जा रही हूँ ताकि हमारे आलू भी जो हैं वो गल जाएं और टमाटर भी गल जाएं। अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ गिलास और पानी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें हाफ़ गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ, फिर मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाऊँगी। तो ये देखिए, टमाटर भी हमारे स्मूथ हो चुके हैं और आलू भी हमारे गल चुके हैं। हमने इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखना, हल्की सी बस ग्रेवी हमने रखनी है। तो अब इस टाइम पर मैं इसमें जो हरी मिर्चें मैंने काट रखी हुई थी वो शामिल करूँगी। मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी हैं, अब मैं इसमें हाफ टी स्पून गर्म मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारे जो जीरे वाले आलू हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।